दोस्तों, ठंड है, खिचड़ी तो बनता है, और वो भी डालिया की खिचड़ी, और साथ में जाएगा फ्रेश वेजिटेबल, और वो भी हमारे खुद के किचन गार्डन से ही लेंगे। चलिए। और यहाँ पर देखिए, एक डंठल है, हम लोग इसको मायरा डंठल कहते हैं, आप लोग शायद दूसरे नाम से जानते होंगे। ये एक है और दूसरा यहाँ पर भी एक है, दो ही लेंगे। यहाँ से हमने मूली और डंठल लिया है। चलिए छत पर चलते हैं। यहाँ पर भी ढेर सारा सब्जी है। देखिए, यहाँ पर कद्दू का डंठल है, बरबटी है। चलिए पहले कद्दू का डंठल लेते हैं। अभी बरबटी लेंगे। यहाँ पर देखिए कितना सारा बरबटी है। और यहाँ पर मटर है, देखिए अभी मटर लेंगे। इधर है, इधर। दोस्तों, आज डालिया की खिचड़ी के साथ होगा मसालेदार फिश फ्राई। और यहाँ पर हमने लिया है, देखिए, चारा पुना मछली। तो चारा पुना मछली का होगा मसालेदार फिश फ्राई। देखिए, यहाँ पर हमने सब सब्जी ले लिया है, घर से लिया है, गोभी, कद्दू और गाजर, आलू। मैं यहाँ पर सब्जी काटूंगी और मम्मी यहाँ पर मछली काटेंगे। বন্ধুরা, আমরা বাড়িতে এই শীতকালে প্রায় খিচুড়ি হয়, খেতে সবজি থাকে, এই সবজি দিয়া আপনারা একটু সাথে করে দিবেন। मम्मी जी कह रही है कि ठंड के समय में हमारे घर में ज़्यादातर खिचड़ी होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। देखो माँ, बढ़ते क्या चाहते क्या? देखो मोटर है, मोटर ये प्रथम मोटर। मूला तो खेते, मूला खेते, तारपरे डाटा, डाटा नियेছি, বরবটি, এগুলো তো আমরা আরো তো বেশি হয়, আমি তো কম হয়, কি করুন কিচ্ছু করার নাই। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था, डालिया का खिचड़ी होगा। ये है डालिया, और ये गेहूं से बनाया जाता है, और ये खिचड़ी बनाने के लिए किंग है। सब्जी काटना भी कंप्लीट और मछली काटना भी कंप्लीट। तो अच्छे से धोकर फ्रेश कर लिया है, अभी चूल्हा जलाएंगे। पहले मूंग दाल फ्राई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 250 ग्राम मूंग दाल लिया है, हल्का सा भूनेंगे इसको। अभी डालिया भूनेंगे। Thank you.
डालिया को भूनने के बाद इसको धोना पड़ेगा अच्छी तरह से, इससे पहले नहीं। उबले हुए पानी में डालेंगे मूंग दाल। दोस्तों ठंड के समय में चूल्हे में पकाना, चूल्हे में पकाकर खाने का जो स्वाद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमारे घर में ज्यादातर ठंड के समय में चूल्हे में पकाना होता है। मूंग दाल 50% बॉईल होने के बाद हम ऐड करेंगे सब्जी। अंत में जाएगा डालिया। डालिया नरम है इसलिए इसको अंत में ही डालना पड़ेगा, नहीं तो गल जाएगा। स्वाद अनुसार नमक अच्छी तरह से मिला देंगे। डालिया 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद जाएगा हल्दी का पाउडर, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर और मिर्ची का पाउडर। चूल्हे से खिचड़ी को निकालेंगे। अभी खिचड़ी में छौंक लगाएंगे। सरसों का तेल, पहले नारियल को भूनेंगे। यहाँ पर हमने बारीकी से कटा हुआ नारियल लिया है। भुना हुआ नारियल, बादाम और किशमिश मिक्स कर देंगे। लाल सूखा मिर्च, तेज पत्ते, हरा मिर्च, 5 फोड़न, अदरक का पेस्ट। एक चम्मच घी, सरसों का तेल, इधर मछली में हल्दी और नमक लगाएंगे, हल्दी पाउडर, नमक। तेल गर्म हो चुका है, एक एक करके मछली डालेंगे। फिश फ्राई कंप्लीट। प्याज, टमाटर और हरा मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर और जीरा का पाउडर। स्वाद अनुसार नमक। मसालेदार फिश फ्राई होगा तो पानी कम जाएगा, इसमें एकदम सूखा सूखा बनेगा। एक एक करके मछली ऐड करेंगे। आलिया की खिचड़ी भी कंप्लीट और मसालेदार फिश फ्राई भी कंप्लीट। तो मैं चली खाने, आप जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।